रायसेन बेगमगंज से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की रिपोर्ट। गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दिया के जयकारों के साथ निकला विसर्जन चल समारोह बेगमगंज। गणेश प्रतिमाओं की स्थापना अपनी मान्यता के अनुसार एक दिन से लेकर तीन दिन तक, पांच दिन तक, सात दिन तक और नौ दिन तक की जाती है। दसवें दिन यानी अनंत चतुर्दशी के मौके पर उनका विसर्जन किया जाता है। लोक कल्याण के लिए गणनायक अगले बरस तू जल्दिया के उद्घोष के साथ हिंदू उत्सव समिति के तत्वाधान में दशहरे मैदान से श्री गणेश विसर्जन चल समारोह सामूहिक आरती के उपरांत शुरू किया गया। पूरे शहर में करीब 50 झांकियां विभिन्न मार्गों से होती हुई दशहरा मैदान पहुंची, जहां पर हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष संजय राय और उनके साथियों के द्वारा पूजा अर्चना के उपरांत चल समारोह का शुभारंभ किया गया। चल समारोह दशहरे मैदान से बस स्टैंड, पुराना बस स्टैंड, गांधी बाजार, कबीर चौराहा, बजरिया, जामा मस्जिद रोड, पक्का फाटा, गणेश मंदिर से होता हुआ सेमरी एवं बीना नदी के घाटों पर विसर्जन के लिए पहुंचे, जहां विधि विधान के साथ गोताखोरों की मौजूदगी और प्रशासनिक अधिकारियों की निगरानी में गणेश जी की मूर्तियों का विसर्जन किया गया। विसर्जन चल समारोह में युवक डीजे पर बज रहे भजनों पर थिरकते और जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। वहीं अखाड़ों के युवा ढोलकों की थाप पर झेलमों के विभिन्न कर्तव्य दिखाते हुए चल रहे थे। चल समारोह मार्ग पर महिलाएं पुरुष दर्शन करने के लिए उपस्थित थे, जहां उन्होंने गणपति बप्पा को अंतिम विदाई देते हुए आरती उतारी और प्रसाद चढ़ाया। हिंदू उत्सव समिति एवं हिंदू युवा सेवा दल के कार्यकर्ता व्यवस्था करते नजर आए। वहीं प्रशासनिक और प्रशासनिक अधिकारी व्यवस्थाओं पर बराबर नजर रखे हुए थे। लोग बात कर रहे थे, गणपति बप्पा अगले बरस तू जल्दी आ। रायसेन बेगमगंज से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की रिपोर्ट।